अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ही सिंप्लीफाई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक ही क्वेश्चन है, इसको मैंने डिफरेंट मेथड से, दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की ट्राई किया है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और ये मैं अलग अलग वीडियोज़ में नहीं कर रहा, मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कर लेंगे तो साथ साथ कंपेरिजन भी हो जाएगा। आंसर दोनों का सेम है, सेम होगा, तकरीबन स्टेप्स भी सेम होंगे, एक आध स्टेप कम या ज़्यादा होगा। लेकिन एक बड़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये सर स्कूल वाले टीचर ने इस स्टेप से कराया, मेथड से कराया है, टीचर वाले ट्यूशन होम ट्यूशन ने या सेंटर ने इस मेथड से कराया, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिए, पहले लेफ्ट साइड वाला कर रहे हैं, सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्टेप्स में फॉलो करेंगे वो उसमें नहीं करेंगे। अब इसमें मैं कोई सा भी कर लेता हूँ जो मुझे इजी लगता है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी और होल पावर ए प्लस बी लिखा हुआ है। होल का मतलब होता है ये ए प्लस बी पावर जो है ना, ये न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी है, ऐसा ही इसके साथ है, ऐसा ही इसके साथ है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी को ऊपर भी लिख देते हैं, कैसे, एक्स की पावर ए और ए प्लस बी ऐसे, और नीचे भी लिख देते हैं डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले स्टेप में भी करेंगे, एक्स की पावर बी और बी प्लस सी और एक्स की पावर सी और बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऐसे ही होगा, एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, सॉरी मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक्स की पावर सी सी प्लस ए, एक्स की पावर ए सी प्लस ए, ठीक है जी। हमने ब्रेक कर दिया 6 की 6 वैल्यूज़ को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू ब्रेक कर दी। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए पावर से पावर, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो देखें, एक्स की पावर ए है, ये ए भी पावर है, अब ये ए प्लस बी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कैसे, देखिए एक्स बे से ऐसे ही आ गया, ए को ए से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, और ए को बी से मल्टीप्लाई करा ए बी, अब ऐसे ही डिवाइड में आ जाएगा, एक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करा ए बी और बी को बी से मल्टीप्लाई करा बी स्क्वायर, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई। इन सब के साथ ऐसा ही होगा, देखें एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी, एक्स की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी, एक्स की पावर ए सी प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक्स 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 बेस सेम है, मैथ्स कहती है बेस सेम हो, पावर्स मिला दो, एक्स एक दफा आ गया, सारी पावर्स को मिला के लिख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पावर थी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मैंने सब एक्स एक दफा लिखकर सारी पावर्स को मिला के लिख दिया। अब डिनोमिनेटर के साथ भी ऐसे ही होगा, एक्स 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 बेस सेम है, पावर्स को मिला के लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पावर जाती है, बेस जाती है, तो उसके जो पावर्स होते हैं अगर उसके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऊपर ऐसे ही आ गया, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी, ऊपर की जो 6 नंबर वैल्यू थी वैसे ही आ गई, और डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर आ गई, बेस न्यूमिनेटर में आ गई, एक्स आ गया प्लस का ए बी था ऊपर आके माइनस का ए बी हो गया, प्लस का बी स्क्वायर था माइनस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का बी सी था माइनस का बी सी हो गया, प्लस का सी स्क्वायर था माइनस का सी स्क्वायर हो गया, प्लस का ए सी था माइनस का ए सी हो गया, प्लस का ए स्क्वायर था माइनस का ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब वही बात आ गई दोबारा, एक्स एक्स दो दफ़े लिखा हुआ है, एक्स बेस सेम है, पावर्स मिला दो, अब इसकी और इसकी पावर्स दोनों को मिला के लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, पहले पहले वाली एक्स लिखेंगे, फिर दूसरे वाले एक्स की लिख देंगे, सही है। अब मैथ्स कहती है दो नंबर्स हो, उनके सेम नंबर्स, उनके साइन डिफरेंट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, सेम नंबर डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। नंबर्स हो, क्या कहते हैं अपना, वेरिएबल हो, कैंसिल हो जाते हैं। माइनस का ए स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर, कैंसिल,
प्लस का ए बी है, माइनस का ए बी कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी सी है, माइनस का बी सी कैंसिल, प्लस का सी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए सी है, माइनस का ए सी कैंसिल। क्या बच गया? एक्स की पावर ज़ीरो। आगे हम हिंट देंगे, किसी भी बेस की पावर ज़ीरो बराबर होती है वन के। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? वन। ठीक है जी, ये एक मेथड सॉल्व किया है, दूसरे मेथड सॉल्व करूँगा आंसर सेम आएगा। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इसमें क्या करेंगे, एक्स की पावर ए ऐसे ही आ गया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लिया, एक्स की पावर ए ऐसे ही आ गया। अब देखें, नीचे एक्स की पावर प्लस बी लिखा हुआ है, ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर माइनस बी हो जाएगा। अभी प्रीवियस मेथड में बताया कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर वैल्यू आती है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, और ब्रैकेट बना दिया, बाहर वाली पावर ऐसे ही आ गई। इसके साथ भी ऐसे करेंगे, x की पावर b है, डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में आ गई, x की पावर माइनस सी हो गया, b प्लस सी हो गया। माइनस सी क्यों हो गया? नीचे प्लस सी थी। अब इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, x की पावर c है, x की पावर माइनस ए हो गया, यहाँ c प्लस ए हो गया। ठीक है, बेसिस सेम होती, पावर्स मिला देते हैं, x x सेम है, पावर्स मिला दी a माइनस बी, पहले इसकी लिखी फिर दूसरी वाली की लिखी, और बाहर वाली पावर ऐसे ही आ गई। यहाँ भी एक्स एक्स बी माइनस सी, बाहर वाली बी प्लस सी ऐसे ही आ गई। यहाँ भी एक्स एक्स सी माइनस ए, बाहर सी प्लस ए ऐसे ही आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, और दो ब्रैकेट के मिड में कोई साइन नहीं होता, वो दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब देखिए, एक स्टेप करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए मैंने एक्स एक दफ़ा लिखा, दोनों पावर हैं, मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ भी बी माइनस सी और बी प्लस सी अलग अलग ब्रैकेट में आ गया। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, सी माइनस ए और सी प्लस ए ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, अब हम ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि कहीं ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म लिखी हुई हो तो उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, और कहीं ऐसे बंद फॉर्म लिखी हो हमें इस वैल्यू में हम उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपने ये बात देखा होगा, ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट यही चीज़ है, इसमें फार्मूला ओपन हो रहा है, ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट यही चीज़ है, इसमें फार्मूला ओपन हो रहा है, ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट यही चीज़ है, इसमें फार्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, फॉर्मूला ओपन हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, फॉर्मूला ओपन हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स 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 बेस सेम है, एक दफा लिख दो, पावर्स मिला दो। ठीक है जी, पावर्स मिला दी, अब कैंसिल हो रही है, देख लेते हैं, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्या बच गया? एक्स की पावर ज़ीरो, किसी बेस की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है? वन के। तो हमारे पास का आंसर क्या आ गया? वन। अब देखते हैं स्टेप में कोई है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं, सिक्स और सिक्स स्टेप में हुआ है, लेकिन इसमें फॉर्मूले वाले मेथड से क्या, इसको मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से क्या। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।